मेरा नाम आसान से देखिए, मैं फ्रेगरेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेगरेंस की लॉन्जिविटी के बारे में, और परफ्यूम्स जो हैं आपके क्यों ज़्यादा देर तक आपकी स्किन पर या आपके कपड़ों पर नहीं रुकते हैं, या फिर उसकी स्मेल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक क्यों नहीं आती। ऐसा क्यों होता है कि आप एक परफ्यूम लगाते हो जो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रुकता है, 10-10 घंटे उसकी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन आपको वही 2-3 घंटे या उसके बाद कोई बताता भी नहीं कि आपसे कोई स्मेल आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत दिनों से बात करने की सोच रहा था। इनफैक्ट वीडियो, ये जो हमारा चैनल है इसकी शुरुआत से भी पहले से, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। क्योंकि हम वीडियो देखते थे, रिव्यूअर्स बताते थे कि भाई हाँ एक दिन रुक रहा है, हम खुद लगाते थे स्मेल आती नहीं थी, 2-3 घंटे उसके बाद गायब। फिर दूसरे दिन जब वो शर्ट स्मेल करते थे उससे स्मेल आ रही होती थी। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता था कि आखिर हो क्या रहा है। तो काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चला, और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हमारा ये पिछले 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने जो सीखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि लॉन्जिविटी होती क्या है। तो लॉन्जिविटी हम लोग परफ्यूम्स में उसको कहते हैं जब हम एक परफ्यूम को स्प्रे करते हैं उसको आप कितनी देर तक स्मेल कर सकते हैं, या फिर वो कितनी देर तक उसकी स्मेल आती है। तो ये हो गया लॉन्जिविटी बेसिक, इसका मतलब है। तो लॉन्जिविटी जो है वो डिपेंड करती है कई सारी चीज़ों पर। एक है मौसम का, दूसरा है फ्रेग्रेंस के नोट्स, और तीसरा है आपकी स्किन कंडीशन। और ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए तभी ये आपकी स्किन पे फ्रेग्रेंस लास्ट करेंगे, कपड़ों पे लास्ट करेंगे। अगर आप जैसे ये एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, ये बनाया गया है गर्मियों में लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में लगाएंगे तो इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो नोट्स हैं थोड़ा सा फ्रेश, एक एक्वाटिक सी सॉल्टी सी नोट है, लेकिन वो जो स्मेल है सर्दियों में उठ के ही नहीं आती है। तो लेमन की स्मेल है या फिर जो भी फ्रेश स्मेल होती है वो सर्दियों में उनकी स्मेल नहीं आती है, इतनी अच्छी स्मेल नहीं होती है, वो एक बहुत ही अजीब मेटालिक टाइप की स्मेल आएगी आप उसको स्मेल करोगे। तो ये होता है फ्रेश फ्रेग्रेंस के साथ। लेकिन अगर आप कोई जैसे ये एक थोड़ा सा ऊद टाइप का या फिर सैंडलवुड टाइप का फ्रेग्रेंस अगर आप गर्मियों में स्मेल करोगे तो ये आपको बहुत अजीब स्मेल करेगा और आपको लगेगा कि यार ये ख़राब परफ्यूम है, बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर जैसे ये प्राडा का इंटेंस वर्जन है, इसको आप अगर लगाओगे गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक सर्दी का परफ्यूम गर्मी में लगाओगे और बहुत अजीब स्मेल करेगा। तो ये होता है मौसम का। सेम वही नोट्स की बात हो गई, और अब बात करते हैं स्किन कंडीशन की। तो कुछ लोगों की स्किन पर हो सकता है एक ऐसा परफ्यूम जिसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन आपकी स्किन पर वो बहुत ज़्यादा लास्ट करें, और मेरी स्किन पर ना करें, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये स्किन का भी एक सीन होता है, इसलिए आपको परफ्यूम लेने से पहले उसको कई बार टेस्ट करना चाहिए, उसके सैंपल परचेज करने चाहिए। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं हमारे ब्रांड में कि हर एक फ्रेग्रेंस का एक सैंपल साइज़ ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2,000-5,000 अपने मेहनत की कमाई लगाएं और फिर आपको उससे परफॉर्मेंस ना मिले, या फिर आप सेटिस्फाई ना उसकी फ्रेग्रेंस प्रोफाइल से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, जब ये लॉन्जिविटी का सीन है, ये ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है जो नए लोग होते हैं जो नए नए फ्रेग्रेंस या इतर लगाना चालू करते हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि फ्रेग्रेंस में सिर्फ लॉन्जिविटी ही एक एस्पेक्ट नहीं होता है जो एक उस फ्रेग्रेंस की वर्थ को डिफाइन करे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये परफ्यूम अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो परफ्यूम ख़राब है। ऐसा नहीं है, उसकी प्रोफाइल भी है, उसकी एक सेंट प्रोफाइल होती है जिसमें हो सकता है जो जो नोट एक उसके अंदर एक लॉन्जिविटी वाली किक लाए वो नोट उसमें नहीं बैठ सकता। जैसे कि मस्क है, वाइट मस्क का नोट है या फिर ब्लैक मस्क का नोट है, वो किसी भी फ्रेग्रेंस में चला जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। लेकिन एक ऐसा फ्रेग्रेंस प्रोफाइल जिसके अंदर मस्क की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़बरदस्ती मस्क डाल देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, तो इसलिए भी होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है, एक चीज़ होती है ऑलफैक्ट्री फटीग। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है स्टारबक्स। स्टारबक्स आप सोचिए किसी भी मॉल के अंदर होगा, किसी भी जगह पे होगा, आसपास आप उसके जाएंगे तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का अरोमा आएगा, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास थोड़ा सा टाइम बिताएंगे ना, उसके बाद वो कॉफ़ी की स्मेल चली जाती है। तो क्या वो कॉफ़ी की स्मेल आपके लिए सिर्फ वहाँ पे लगाई गई थी? ऐसा नहीं है। जब आप नए नए गए थे वहाँ पे तो आपकी नोज़ जो है उसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग अरोमा डिटेक्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों की जिस तरह से नेचर ने नोज़ डिज़ाइन की है उसमें यह है कि एक आपको धीरे थोड़ी देर के बाद वो बैलेंस कर देती चीज़ें।
तो ये भी होता है कि एक परफ्यूम जैसे ये परफ्यूम है, इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है, मुझे 12 से ज़्यादा घंटे इसकी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को ये स्मेल इसकी नहीं आती थोड़ी देर के बाद, तो ये भी होता है। और अगर ख़ासतौर से आप अगर स्मोक करते हैं, सिगरेट डिग्री पीते हैं, तो फिर आपके लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि जो नोज़ के सेंसेस हैं वो जो हैं काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और अगर आप एक हफ्ते सिगरेट नहीं पियेंगे उसके बाद जो है इसमें बहुत अच्छी आने लगती है। और भी ऑल्फैक्टरी फटीग के बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अगर आप एक परफ्यूम जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप एक वुड बेस्ड फ्रेग्रेंस बहुत दिनों से लगा रहे हैं, 5-6 दिन आपने वही लगा लिया, उसके बाद अगर आप एक फ्रेश परफ्यूम लगाएंगे आपको स्मेल ही नहीं आएगी, तो ये भी एक ऑल्फैक्टरी फटीग का सीन है। और लॉन्जिविटी के बारे में मैंने ये देखा ज़्यादातर कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर परफ्यूम बहुत महंगा है तो बहुत ज़्यादा लास्ट करता होगा। और इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैं नाम दिखा के बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ लोगों की, लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं लिटरली कि भाई कोई ऐसा परफ्यूम बताओ, ऐसा इतर बताओ जो हफ्ते भर रुके, 15 दिन रुके। तो एक भाई साहब ने हमसे पूछा था कि भाई एक इतर हमें बता दिए, एक परफ्यूम हमें बता दीजिए कि जिस गली से हम लगा के निकलें वहाँ 10-15 मिनट तक खुशबू आए और लोग पूछें कि आखिर कौन वो इतर लगा के आया है। और एक भाई साहब ने उन्होंने पूछा था कि मतलब ऐसा इतर बताइए जिससे लड़कियाँ हमसे अट्रैक्ट हो जाएं। तो इस तरह के लोग सवाल आप पूछते हैं, उनको क्या बताया जाए, उनको पूरा बैठ के समझाना पड़ता है कि देखो चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। और देखिए मेरे लिए बहुत आसान है लोगों को मैनिपुलेट करना। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने हाउस का सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस बताइए, तो मैं नहीं बताता हूँ डायरेक्ट, मैं पहले उनको थोड़ा ये बेसिक समझाता हूँ, देखिए चीज़ें काम कैसे करती हैं, कि इस तरह से लॉन्जिविटी का सीन है, इस तरह से नहीं, क्योंकि मैं वो वादा नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने तो बोल दिया कि हाँ भाई ये 10 घंटे रुकता और आपकी सिम पे ना रुके तो मुझे तो इन दी एंड गालियाँ ही पड़ने वाली हैं। लेकिन लोग पूछते हैं तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि कैसे समझाया जाए, कैसे ना समझाया जाए। तो आगे से मैं यही वीडियो जो है लोगों को भेज दूँगा कि भैया ये वीडियो देख लो, समझ जाओ कि लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन का सीन क्या है। ऐसे ही होता है, हम चाहे जितना अच्छा परफ्यूम लगा लें, चाहे जितनी वो लगा लें, अगर हमने उसको अच्छे से लगाया नहीं है, पहली बात तो अगर हमने उसको अच्छे टाइमिंग से नहीं लगाया है तो वो परफ्यूम जो है लास्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं सोचूं कि ये फ्रेश परफ्यूम जो है ये लगा लूं और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए और ये बहुत देर तक रुके, तो नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी है सर्दियों का मौसम और ये 1 घंटे तक भी नहीं रुकेगा। हो सकता है बहुत करीब से स्मेल करना पड़े तब शायद इसकी स्मेल आ जाए, लेकिन जो परफॉर्मेंस मुझे गर्मियों जो परफॉर्मेंस मुझे अभी सर्दियों में इससे मिल जाएगी वो नहीं मिलने वाली किसी परफ्यूम से। और भी दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया था कि हाँ महंगे परफ्यूम, सस्ते परफ्यूम। अब जैसे ये परफ्यूम है विस्की स्मोक, ठीक है, बियर्डो का ये एक परफ्यूम है, द मैन कंपनी का, हाँ शायद द मैन कंपनी का। उसके बाद ये एक परफ्यूम है जिसकी हमने अभी बहुत रिसेंट वीडियो बनाई, ये परफ्यूम है अंडर 1000 रुपीज़। अब जब ये परफ्यूम कम लास्ट करते हैं तो लोग ना ज्ञान देने चले आते हैं कि ये परफ्यूम अच्छे नहीं है, ऐसा है वैसा है। और जब कोई महंगा परफ्यूम जैसे कि ग्रीड हंटर्स या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रेश परफ्यूम्स हैं, काफ़ी महंगे महंगे 15,000-20,000 की उनकी बॉटल आती है, जब वो लास्ट नहीं करते ज़्यादा, उनकी लॉन्जिविटी नहीं होती है, तो लोग बोलते हैं कि यार भाई आर्टिजनल स्टफ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हिपोक्रेसी आती है। अब मैं जो है इस लॉन्जिविटी वाले सीन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हूँ, मुझे अगर चीज़ें सही लगती हैं तो ये कि परफ्यूम जिसकी एक अच्छी सी प्रोफाइल है, जिसको मैं एंजॉय करूं और जो कि मुझे 4 से 5 घंटे की भी परफॉर्मेंस देते, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं किसी ऐसी महफिल में जाता हूं जहां पे मुझे 10 घंटे रहने पड़े। और अगर ज़रूरत लगती है मुझे तो मैं छोटा सा डिकैंट बॉटल रखता हूं, स्प्रे कर लेता हूं। तो मेरे हिसाब से यही फार्मूला जो है ठीक है, अगर एक परफ्यूम में परफॉर्मेंस है तो एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी में परफॉर्मेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। और आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।